घर में हर त्यौहार में कुछ बने ना बने, मगर ये चूड़ा हमेशा हर घर में बनता है। सबकी मम्मियाँ भले एक जैसा बनाएं, फिर भी उनके हाथों का स्वाद अलग होता है। आज मैं शेयर करूँगी अपनी मम्मी की रेसिपी। चूड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 किलो पोहा। इसे अच्छे से एक बार साफ़ कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें अब हम आधा पोहा डाल के इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसे तब तक भूनना है जब तक ये क्रंची ना हो जाए। देखिए अगर एक बार में हम पूरा पोहा को रोस्ट करेंगे तो वो अच्छे से नहीं होता, ना ही वो क्रंची होता है, इसलिए हमने बैचेस में करके इसे रोस्ट कर लेना है। देखिए बीच बीच में हमें इसे चलाते जाना है और देखिए हमारा पोहा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पोहा हाथ में लेके ऐसे तोड़ेंगे। तोड़ने से अगर ये अच्छे से टूट रहा है एक बार में ही, तो यानी अच्छे से रोस्ट हो गया है। और अब हम इसे साइड निकाल लेंगे और अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी बचे पोहे को रोस्ट कर लेंगे। देखिए अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और ऐसे करके हम दूसरे बचे पोहे को भी रोस्ट कर लेंगे। देखिए जब तक बाकी पोहा रोस्ट हो रहा है तब तक यहाँ पे हमने लिया है 2 प्याज, जिसे हम बारीक काट लेंगे और इसे धो के 2 बार अच्छे से सुखा लेंगे पंखे के नीचे, या तो आप धूप में भी सुखा सकते हैं। देखिए हमने प्याज को अच्छे से धो लिया है, अब हम इसे पंखे के नीचे सुखा लेंगे। देखिए हमने पूरा 1 किलो पोहा अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है, ये देखिए। और देखिए इसे ऐसे दबाएंगे ना तो पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, चूरा चूरा हो जाएगा, इसका मतलब हमारा पोहा अच्छे से रोस्ट हो गया है। देखिए हमने सेम कढ़ाई में तेल डाल लिया है और इसे गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मक्का पोहा और मक्का पोहा डाल के हम अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। टोटल 2 कटोरी मक्का पोहा लिए हैं। देखिए हमने मक्का पोहा अच्छे से फ्राई कर लिया है, इसी करके हम बाकी बचे मक्के पोहे। अब हम फ्राई करेंगे 1 कप मूंगफली। निकाल लेंगे और देखिए हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसे हम निकाल लेंगे। देखिए अब हम प्याज को तल लेंगे। प्याज को हमको हल्का गोल्डन ब्राउन करना है, इससे एक अलग क्रंच आता है हमारे चिवड़े में। देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे ऐसे करके। इतना ही हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। देखिए हमने मक्का पोहा फल्ली और अनियन को एक साइड रख लिया है। आइए अब हम चूड़ा बघारेंगे। देखिए चूड़ा बघारने के लिए हमने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों और 1.5 चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है खड़ा धनिया। इसे डाल के एक बार तड़कने देंगे। देखिए एक बार अच्छे से तड़क गया है, अब हम यहाँ लेंगे 5 से 6 मिर्ची को हमने ऐसे बीच से काट लिया है और अब हम इसमें डालेंगे मीठा नींबू। और अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी, यहाँ मैं 2 चम्मच हल्दी ली हूँ। और ये देखिए अब हम इसमें डाल देंगे चूड़ा जो हमने ड्राई रोस्ट किया था। अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। देखिए हमने चूड़े को अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर
और लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने गैस बंद कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे नमक और 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा चूड़ा बनके तैयार हो गया। ये बनाने में बहुत ही आसान था, आप भी इसे घर पे बनाएं और मुझे कमेंट पे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।